हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोर लेन हाईवे पर देर रात को वाहनों पर पथराव। वीर बावसी मंदिर के सामने करीब आधा दर्जन वाहनों पर पथराव। पथराव का शिकार हुए वाहन चालकों ने रोके वाहन। हाईवे पर लगी वाहनों की कतार। मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने किया पत्थरबाजों की तलाश। चालकों ने आए दिन हो रहे पथराव पर जताई नाराजगी। फोर लेन हाईवे पर गेल इंडिया के पास स्थित वीर बावसी मंदिर के सामने कल देर रात्रि को वाहन पर अचानक पथराव शुरू हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। ट्रक कार समेत आधा दर्जन वाहनों पर पथराव किया गया जिससे वाहनों के कांच टूट गए। पथराव में गुजरात जा रही कार सवार महिला व एक युवक चोटिल हो गया। पथराव का शिकार हुए वाहन चालकों ने वाहनों को फोर लेन पर ही रोक दिया। फोर लेन पर यातायात अवरुद्ध हो गया। वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान वहां पहुंचे अन्य लोगों व वाहन चालकों को पथराव की जानकारी दी लेकिन तब तक पत्थरबाज अंधेरे का फायदा उठाकर चंपत हो गए। फोर लेन हाईवे पर गेल इंडिया के पास वीर बाबूजी मंदिर के सामने देर रात्रि को पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार जारी है। यही सिलसिला कल देर रात को भी जारी रहा। पत्थरबाजों ने लूट के इरादे से फोर लेन पर पत्थर रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वाहनों के पहुंचते ही अज्ञात पत्थरबाजों ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव से करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गुजरात जा रही कार में सवार महिला के घुटने में चोट पहुंची। वही कार से अपने दो मित्रों के साथ हनुमान टेकरी से घर जा रहे रिको कॉलोनी निवासी अजय पाल सिंह वहां पहुंचे। उनकी कार भी पथराव का शिकार हो गई। पत्थरबाजों की ओर से फेंका गया पत्थर कार के साइड ग्लास को तोड़ता हुआ उनकी कनपट्टी पर लगा जिससे उनको चोट पहुंची। कमोबेश अन्य वाहन चालकों पर भी इसी तरह का पथराव किया गया। पत्थरों से वाहनों के टूटे कांच फोर लेन पर बिखर गए। पथराव का शिकार हुए आक्रोशित चालकों ने वाहन वहीं खड़े कर दिए। इससे यातायात अवरुद्ध हो गया। वहीं आसपास के लोग भी मौके पर जा पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने पर पत्थरबाजी अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गए। आक्रोशित लोगों ने आए दिन हो रही पत्थरबाजी की घटना पर रोष का इजहार किया। सूचना मिलने पर शहर थाने के SI सीताराम डांगी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। पत्थरबाजों की सघनता से तलाश की लेकिन देर रात तक खाकी के हाथ खाली रहे। इससे पूर्व 30 जून की मध्य रात्रि को भी इसी जगह पर पत्थरबाजों ने वाहनों पर पथराव किया था। आधा दर्जन से अधिक वाहन पथराव का शिकार हुए थे। वाहनों के कांच टूट गए। वहीं एक निजी ट्रेवल्स में यात्रा कर रही महिला भी घायल हो गई। ट्रक लेकर अहमदाबाद जा रहे आबू रोड के लुनियापुरा निवासी नदीम मोहम्मद ने ट्रक को फोर लेन पर खड़ा कर दिया था। वाहन चालकों के वाहन रोकने से यातायात अवरुद्ध हो गया था। करीब 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई थी। लोगों ने 5 युवकों को घेर लिया था। दोनों पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ। मौके पर पहुंचे शहर थाने के उप निरीक्षक गनी मोहम्मद ने युवकों को उनसे छुड़वाया था। इसी दौरान एक युवक भागने में सफल रहा। पुलिस ने चारों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवकों की बलेरो कैंपर में शराब की बोतल पाई गई। इससे पूर्व गेल इंडिया में कार्यरत गांधीनगर निवासी नरेश बैरवा भी पत्थरबाजों का शिकार हुआ था। देर रात को बाइक से ड्यूटी से घर लौटते समय वीर बाबूजी मंदिर के सामने पत्थरबाजों ने उसे निशाना बनाया था। गंभीर रूप से घायल लंबे समय तक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था। जागरूक टीवी के संवाददाता से कार सवार अजय पाल सिंह इनका कहना है कि वापस आ रहे थे हम तो यहाँ बीच में पत्थर रखे हुए थे तो मेरे फ्रेंड जिनकी गाड़ी में हम थे नितिन शर्मा उन्होंने ये कहा आज भी नाटक हुए यहाँ पे और यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। इतना उनका कहना हुआ और मैं सीट के ऊपर भी बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे और जस्ट आगे हुआ पत्थर आके सीधा मेरे यहाँ पे लगा कांच फोड़ के पूरे बॉडी में काज ही काज हो गया तो ठीक था कांच के हिसाब से मेरी सेफ्टी हो गई नहीं तो मेरे यहाँ लगता जोर से मैं ऑन द स्पॉट ही जाता था। कितने लोग थे कुछ आईडिया अब ये इधर से आई थी इस साइड से किसी जगह से पत्थर आए थे ये बंगलों के अंदर से इन बंगलों के पास लड़के आ रहे हैं तो देख के अभी इधर से जैसे गाड़ी स्लो हो रही है यहाँ पे और उनका पत्थर सन्नाट करते हुए आ रहा है पत्थर है मजबूत गाड़ी भी गाड़ी नीति नहीं गई ये गाड़ी गाड़ी भी वहाँ खड़ी अपनी आगे जिसका पूरा साइड का साइड ग्लास गया है। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।